एंजल्स हीलर्स, ध्यान दें कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो एंजल्स से हीलिंग कर रहे हैं और एंजल्स की ट्रेनिंग ले चुके हैं और जो एंजल्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल ये है कि आपको एंजल्स कॉल करने के पहले 4 घंटे पहले और एंजल्स कॉल करने के बाद 4 घंटे बाद नॉनवेज और नशा पत्ती इस्तेमाल करना है। मतलब बहुत ऐसे हीलर्स हैं जो ये पूछते हैं कि हमने ट्रेनिंग तो ले ली, तो हम क्या मांस मदिरा का सेवन करके भी एंजल्स को कॉल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जैसे आपने मांस मदिरा का सेवन कर लिया है, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि आपको, आपने रात में 8 बजे खाना खाया और उसमें आपने नॉनवेज का इस्तेमाल किया और ड्रिंक भी कर लिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो मजबूरी है उनकी। मैं ये नहीं कहता कि आपको छोड़ ही देना चाहिए एक्चुअल में, कि ये सब चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, और ये आपके लिए फायदेमंद है छोड़ना। बहरहाल मैं आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या है कि, और उस समय आप तुरंत सोचे कि मैं एंजल्स को कॉल कर लूँ और अपना कुछ हीलिंग कर लूँ या कोई दूसरे की हीलिंग कर लूँ या कोई काम कर लूँ, तो आप बिल्कुल ही ना कॉल करें। मांस मदिरा खाने के 4 घंटे बाद ही आप फिर नहा धो के तब जाके एंजल्स को कॉल करें और रिक्वेस्ट लगाएं। जो 15-20 मिनट का एक प्रोसेस होता है डायरी मेथड, कि डायरी में सारी आपने डिटेल लिखी हुई है, अपनी या दूसरे की हीलिंग करनी है उसमें सारी डिटेल आपने लिखी हुई है, तो वो लेकर आप बैठेंगे, धूप दिया बत्ती जलाकर बैठेंगे और पूरा प्रोसेस करेंगे, तो उस वक्त आपका नहाया धोना होना जरूरी है, क्योंकि आपने 4 घंटे पहले मांस मदिरा का सेवन किया था और 4 घंटे बीत गए हैं। अब आप नहा धो के एंजल्स को कॉल करके रिक्वेस्ट लगा के हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी क्या है कि सोचा है कि हमने रिक्वेस्ट लगा दिया है और अब मैं मांस मदिरा का सेवन कर सकता हूँ, तो भी आपको नहीं करना है। ऐसा कई लोग कह रहे हैं, क्वेश्चन भी आता है, यानी कि फोन भी आता हमारे पास, तो कहते हैं कि क्या अभी हमने रिक्वेस्ट लगा ली है और हीलिंग कर ली है, 15 मिनट का प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हम तुरंत मांस मदिरा का सेवन कर सकते हैं? तो नहीं, उनके लिए भी ये सख्त हिदायत है कि 4 घंटे बाद तक आप मांस मदिरा नहीं कर सकते। यानी कि आप 8 घंटे, 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल अनुशासित रह सकते हैं, मतलब बंध जाएंगे। तो या तो आप एंजल की ट्रेनिंग ना लें, कहीं से भी एंजल्स की हीलिंग ना, एंजल्स की ट्रेनिंग ना लें, आप एंजल हीलर ना बने, और अगर आपको बनना है तो इतना आपको नियम पालन करना पड़ेगा, और अगर आप नियम पालन नहीं कर सकते हैं तो आप एंजल की ट्रेनिंग ना लें, एंजल हीलर ना बने प्लीज, क्योंकि इसमें एंजल्स का अपमान होगा और वो शुद्ध साफ पाक साफ चीजें होते हैं। एंजल्स जो फरिश्ते जिसे कहते हैं वो शुद्ध होते हैं, उनके पास प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, और अगर आप अशुद्ध अवस्था में उन्हें रिक्वेस्ट लगाते हैं तो उनका अपमान होगा, तो उनका अपमान ना करें आप बिल्कुल ही। इससे तो अच्छा है कि आप एंजल की ट्रेनिंग ही ना लें, कोई जरूरत नहीं है आपको पैसा खर्च करने की और एंजल्स को शाइन कराने की, इसमें पैसे भी खर्च होंगे और आप फिर रिक्वेस्ट नहीं लगा पाएंगे, उनका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, तो आपको लगेगा कि फायदा क्या हुआ, कि एंजल ट्रेनिंग लेने के लिए लेने से क्या फायदा हुआ। तो हमारे यहाँ, और मैं समझता हूँ कि जितने भी एंजल ट्रेनर हैं, एंजल्स ट्रेनर हैं, वो सभी बताते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्लियर बताया जाता है कि आपको 24 आवर पहले, जब आप ट्रेनिंग लेने वाले हैं तो आपको 24 आवर पहले से ही नॉनवेज खाना बंद कर देना होगा, मांस मदिरा का सेवन करना बंद कर देना होगा, यहां तक कि कोई नशा पत्ती आप कर रहे हैं तो वो भी बंद कर देना होगा। तो जब 24 घंटे पहले से हमारे कुछ 5 कंडीशंस होते हैं वो बता दिए जाते हैं आपको फोन पर ही, आपने सारा प्रोसेस कर दिया, डिटेल दे दिया और पेमेंट जमा कर दिया, फी चार्ज जमा कर दिया, तो उसके 24 घंटे बाद ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके पहले नहीं। ये नियम है हमारे यहाँ, यह सख्त नियम है, इस नियम से हम समझौता नहीं करते हैं। आप सोचिए कि अभी 4 घंटे या 10 घंटे पहले तो आपने नॉनवेज खा लिया था और कुछ ड्रिंक कर लिया था और अभी आप ट्रेनिंग ले ले, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। हम आपको पहले ही
कंडीशन बता देते हैं कि आपको 24 घंटे पहले से ही नॉनवेज और मांस मदिरा खाना बंद कर देना होगा, तब जाके आपको आफ्टर 20 आवर हम आपको शाइन करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और ट्रेनिंग के दौरान जो 2 दिन की ट्रेनिंग होती है उसमें जो वक्त लगता है उस दौरान, यानी कि 2 दिन तक और उसके 1 दिन बाद और यानी कि 24 घंटे बाद तक आपको कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। यानी कि 2 दिन जो ट्रेनिंग लेंगे उसमें भी नहीं, और 24 घंटे पहले ट्रेनिंग लेने स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले से आपको नॉन वेज मांस मदिरा नहीं खाना है, और ट्रेनिंग लेने के 24 घंटे बाद तक भी आपको नहीं खाना है। इस बीच में आपको नॉन वेज मांस मदिरा कुछ भी नहीं सेवन करना है, और आपको सख्त हिदायत दे दी जाती है। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो कर पाते हैं तभी आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले पाएंगे, अन्यथा ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे, हम आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे। आप झूठ बोलते हैं, वहां से आपको लगता है कि हमने आपको कंडीशन बता दी, उसके बावजूद भी आपने गलती करी है, खाया पिया है, और फिर भी आप कहते हैं नहीं मैं खाया पिया नहीं हूं, तो इसके बैड इफेक्ट और साइड इफेक्ट के रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, जिम्मेदार आप होंगे, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे कि आपको कुछ भी हर्ट होता है, नुकसान होता है, कुछ घाटा होता है आपका, कुछ बड़ा घाटा हो जाता है, और आपने झूठ बोल के ट्रेनिंग ले ली, आर्कएंजल से शाइन करा लिया बीच में, और आप अपवित्र हैं, नापाक हैं, और उस अवस्था में आपने शाइन करा लिया, और उसके बाद कुछ आपका नुकसान हो जाता है, बड़ा घाटा लग जाता है, कोई बड़ी लॉस में चले जाते हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा, इसलिए कि मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझ कर चलना होगा। अब मान लीजिए कि आपने ट्रेनिंग ले ली, अब आपको हीलिंग करना है, और आपने आपका आपकी आदत है कि आपको नॉन वेज खाना है, मांस मदिरा का सेवन करना है, तो आपकी आदत तुरंत नहीं छूट रही है, मान लीजिए नहीं छूट रही है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि 4 घंटे का पहले डिफरेंस होना चाहिए, 4 घंटे का बाद में, यानी कि इस 8 घंटे के बीच में आप एक बार रिक्वेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद खाइए पीजिए अगर खाना पीना ही है तो। और मैं ये मानता हूं और मैं जानता हूं कि आपने आर्क एंजल से शाइन करा लिया है और आप हीलर बन गए हैं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आपकी ये गंदगी छूट जाएगी अपने आप ही, मांस मदिरा का सेवन करना ऑटोमेटिक छूट जाएगा जब आप इस तरह से प्रोसेस करेंगे और हीलिंग करेंगे, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जरा सोच कर देखिए कि मांस मदिरा का सेवन करना आपका जब छूट जाएगा, इजिली छूट जाएगा बिना किसी मेडिसिन के, आप हीलिंग कर रहे हैं और इन नियमों को फॉलो कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका ये सब छूट गया। जब आपका ये सब छूट जाएगा तो क्या होगा, आपके लिए फायदा ही तो है, कितना फायदा है कि आपका पैसा बचेगा, आपका शरीर नुकसान होने से बचेगा, और आपके परिवार के लोगों को जो तकलीफ होती है आपके नशा पत्ती से वो बचेगा, फालतू जो वेस्ट चला जाता है पैसा वो भी बचेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहने लग जाएगा, आपका मन स्वस्थ रहने लग जाएगा। इसलिए हम अपनी तरफ से सख्त नहीं हिदायत देते हैं, लेकिन प्रिकॉशन जरूर देते हैं, और हम जानते हैं कि इस प्रिकॉशन के बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आर्कएंजल्स की हेल्प से आपकी ये बुरी आदत जो खाने पीने की है वो सब छूट जाएगी। तो मैं ये कामना भी करता हूँ और विश्वास भी है मुझे, और मैं जानता हूँ कि ऐसा होता ही है, तो कोई बात नहीं है, थोड़े आप नियमों का पालन कीजिए, बाद में आपको वही नियम बहुत ढेर सारे फायदे पहुंचाने वाले हैं। इसलिए उन लोगों के लिए ये वीडियो हमने बनाई है कि वो लोग बार बार ये पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम नॉन वेज खा लिए, अंडा खा लिए, मांस खा लिए, कुछ ड्रिंक कर लिए, तो अभी क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो बार बार भी बताना पड़ता है। तो आप ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है, बुरी आदत पड़ गई है तो उसे छोड़ा भी जाता है, ये आदत है, ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं आप, ये छूट भी जाता है, जैसे आदत लगी है वैसे आदत छूट भी जाती है, तो आपके अंदर वो पावर है। तो इस तरह से आपको करना है सावधानी के साथ में, और ये सावधानी हमारी तरफ से आपके लिए है, बताना हमारा काम है, जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के साथ में आपको भी इसे फॉलो करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।